हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन फिजिक्स पाठशाला। एंड इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर रिजोल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। ओके, हम किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक्स एक्सिस है, हम कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। हमारे पास में एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन पर कोई वेक्टर हमारे पास है, एफ वेक्टर, या कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ए वेक्टर के हम दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक एक्स कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये है एक्स कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट ए वाई। इसे हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं ए वाई। तो किसी भी वेक्टर को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट लिए ए एक्स और ए वाई। ओके, हमेशा हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ही डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, देर इज़ नो चेंज इन वाई डायरेक्शन, और अगर वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, देर इज़ नो चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास में ये ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल बना, यहाँ पर ये एंगल है थीटा, हाइट है इसका ए वाई, बेस है इसका ए एक्स और हाइपोटेनियस है ए। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए वाई डिवाइड सॉरी ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। मतलब अगर हम यहाँ से ए एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? ए कॉस थीटा। क्या होगा? ए कॉस थीटा, मतलब एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। और सेम एज इट इज़ अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा क्या होगा? ए वाई डिवाइडेड बाय ए। ओके, सो दिस ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सो इट इज़ द वाई कंपोनेंट। मतलब कि आपने दोनों कंपोनेंट फाइंड कर लिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो है ए साइन थीटा। ये हमें याद रखना है। हमको पता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो आई केप और जे केप होते हैं। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई केप होता है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे केप होता है। तो इस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप। मतलब कि ये एक्स कंपोनेंट है तो ये आई केप से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई कंपोनेंट है जे केप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू कितना है? ए कॉस थीटा आई केप। ए वाई का वैल्यू कितना है? ए साइन थीटा जे केप। तो हमने ये वेक्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया है। एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, उस वेक्टर का ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म यूजिंग यूनिट वेक्टर। ओके, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें एक फोर्स जो कि 100 न्यूटन का है और वो एक्स एक्सिस के साथ में 37 डिग्री बना रहा है। ओके, हमको इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? वेक्टर फॉर्म ऑफ 100 न्यूटन फोर्स। इस 100 न्यूटन फोर्स का हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट होगा 100 कॉस 37 डिग्री। अगर आपको कॉस 37 या साइन 37 का वैल्यू नहीं याद है तो इसे याद रखने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा ट्रिक है। हमको एक 3, 4, 5 का ट्राइंगल बनाना है। ये 3, हाइट उसका 3 हुआ, बेस 4 हुआ, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एंगल होता है 37 डिग्री। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कितना होगा? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कि 9 + 16 = 25 का रूट, मतलब 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से साइन 37 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा? हाइट बाई हाइपोटेनस, मतलब 3/5।
मतलब 0.6 होगा। ओके अगर हम cos 37 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, वो होगा 4/5 मतलब कि 0.8 क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस। और हमें बहुत बार tan 37 का वैल्यू भी यूज़ होगा मतलब कि 3/4 ओके मतलब 0.75 ओके ये वैल्यूज़ हमें याद रखना है। तो हमने x कंपोनेंट फाइंड किया वो होगा 100 × 4/5 अब ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स तो ये हो जाएगा 80 ओके अगर y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट कितना होगा 100 sin 37 degree और sin 37 कितना होता है sin 37 हमारे पास में है 3/5 तो × 3/5 तो ये कितना हो जाएगा 20 × 360 मतलब अगर हमको a वेक्टर इसे हम f से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये फोर्स है तो इसे हम लिख देते हैं साफ कर देते हैं ये एफ एक्स और एफ वाई तो एफ वेक्टर हो जाएगा एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के तो ये एफ वेक्टर हो जाएगा 80 i k + 60 j k ओके इस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें और देखना है अगर ये जो एंगल बन रहा था ये x नहीं y एक्सिस के साथ में बनता है तो क्या होगा है ना ये a वेक्टर था और एंगल यहाँ पर y एक्सिस के साथ में गिवन है तो ये थीटा यहाँ गिवन है तो यहाँ पर अब y कंपोनेंट जो होगा वो होगा a cos थीटा और x कंपोनेंट जो होगा वो होगा a sin थीटा ओके और वेक्टर लिखेंगे a cos नहीं sin थीटा लिखेंगे यहाँ पर x कंपोनेंट sin थीटा है तो a sin थीटा i के प्लस a cos थीटा j के ओके क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो y एक्सिस के साथ में बन रहा है x एक्सिस के साथ में नहीं बन रहा है ओके तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो हमें स्पेशली ये कॉन्सेप्ट अलग से समझना है याद रखना है कि अगर थीटा y एक्सिस के साथ में है तो जो x कंपोनेंट होगा वो sin थीटा होगा y कंपोनेंट cos थीटा होगा ओके थैंक यू वेरी मच।